अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट करते हैं व्लॉग तो ये है सैटरडे का मॉर्निंग यानी हफ्ते की आज सुबह तो सबसे पहले मैंने की है आज घर की सफ़ाई क्योंकि बच्चों का था आज स्कूल से ऑफ तो बच्चे उठ के आराम से देखें लेटे हुए टीवी देख रहे हैं उठ गए थे तैयार श्यार होके फिर मैंने इन्हें बना के दिया बाद में नाश्ता तो अगर छुट्टी वाले दिन में जल्दी उठ के सुबह सफाई वगैरह ना करूँ तो मेरा ये काम लंबा पड़ जाता है कि डायरेक्ट अगर बच्चों को नाश्ता बना दूँ या कुकिंग की तरफ आ जाऊँ तो ये फिर काम लंबा ही पड़ता जाता है ना सफाई का तो पहले कोशिश होती है मैं सबसे पहले घर की सफ़ाई करके फारिग हूँ तो यहाँ मैं बनाती हूँ इनके लिए स्क्वेयर पराठे और बच्चों ने स्पेशल हफ़्ते वाले दिन स्क्र पराठे खाने होते हैं उसकी वजह ये है कि आम रूटीन में बेचारों को जो दो तो सादी रोटी पे घी लगा के देसी घी लगा दो या मक्खन लगा दो तो चुप करके खा लेते हैं तो हफ्ते वाले दिन कहते हैं कि जी हमें पराठे ही बना के दिए जाएँ और इतवार को करते हैं बच्चे बाजारी नाश्ता क्योंकि लाहौर में आपको पता है कि लाहरी अगर नान चने या पाए ना खाएं तो उनका नाश्ता ही नहीं मुकम्मल होता तो यहाँ मैं आपसे सिर्फ एक ही पराठे की वीडियो शेयर करूँगी कि ये देखें कि पराठा मैंने आपको बना के दिखाया बाकी माशाल्लाह कमरे में मेरी रौनक लगी है टीम है पूरी मेरे बच्चे हैं मेरी दे नंद के बच्चे हैं नंद आई भी मेरी बड़ी ना माशाल्लाह तीन बच्चे उसके हैं चार मेरे तो ये सारे बच्चे मिल के कर रहे थे नाश्ता और बाहर मैं कर रही थी दूध बॉयल कि जुम्मे की रात को उसके बाबा लेके आए थे दूध और ये मैं चाय बना रही थी और लाए थे जनाब संघाड़े और शकरकंदी तो मैंने कहा मैं आपसे आज शकरकंदी तो इन श्ला मैं इतवार को करूँगी बॉयल आज संघाड़े की वीडियो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बॉयल करती हूँ अच्छा बाज़ लोगों से ना संघाड़े जो हैं वो बॉयल करते हुए जैसे नरम हो जाते हैं या उसके बीच में पानी चला जाता है हर किसी को ना ये ट्रिक नहीं आती ख़राब हो जाते हैं संघाड़े तो अच्छे से संगाड़ों का मैं आपको बता देती हूँ पहले कैसे बॉयल करते हैं इसे आपने कढ़ाई में डाल के जितने मर्जी संगाड़े हो चाहे दो किलो हों चाहे तीन किलो हों चाहे एक किलो इसके बीच में सिर्फ आपने एक कप चाय का पानी डालना है बस एक कप जो है ना चाय पीने वाला कप और एक कप पानी डाल के और ये जो पोना है ना रोटी वाले जो पोने होते हैं उसे आपने गर्म कर यानी गीला कर लेना सॉरी गीला करके इसको आपने देखें ऐसे कवर कर लेना ये भाप आई है बाद में आपने चम्मच से इसको उल्टा सीधा करना है यानी ऊपर नीचे करना है और ये मैं आपको दिखाऊंगी कि सिंघाड़ों ने देखें कितना पानी छोड़ा है थोड़ा सा पानी डालेंगे तो पानी काफ़ी छोड़ देता है उसके बाद इसको स्ट्रेन कर लिएगा दूसरी तरफ मैं बना रही थी बिरयानी क्योंकि नाश्ते के बाद हो गया था चार बजे का टाइम बच्चों को लग रही थी भूख फिर मैंने कहा नहीं फटाफट ना बिरयानी बना के दे दीजिए क्योंकि मेहमान आए हुए थे घर में ना मेरी नंद आई हुई है रहने तो ये मैं बनाती हूँ बिना प्याज के दो किलो चावल है तो इसके बीच में मैंने डाले आधा किलो टमाटर कुकिंग ऑयल में टमाटर डाल के इसको किए मैंने नरम जब ये यहाँ नरम हो जाएंगे तो उसके बीच में मैं डाल दूँगी अदरक लहसन अदरक लहसन के बाद मैं इसमें ना मसाले डाल दूँगी पहले मेरा ना प्लान नहीं था ये बिरयानी की वीडियो बनाने का मैंने कहा चलो यार बना ली जाए ना तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको इन शाला पसंद आएगी यहाँ देखें गैस भी कम हो गई थी जब पाकिस्तान में हवा भी कोई आ जाए ना ठंडी या गर्म तो पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं ना वो नुकसान देने लग जाती है तो ये मैंने मसाले वैसे कटोरी में निकाले थे पहले इसमें मैंने डाला पिसी मिर्चें कोटी मिर्चें साबुत गोल धनिया और पिसा हुआ धनिया और नमक ऐसा इसके बीच में ना मैंने साबुत गरम मसाला नहीं शामिल किया जो खड़ा गरम मसाला होता है साबुत ना वो नहीं डाला था और मैं डालना भूल गई थी क्योंकि वो मैं डालती हूँ टमाटर के साथ ही पहले मैं साबुत गरम मसाला भूनती हूँ फिर उसके बीच में टमाटर डालती हूँ तो मैंने कहा चलो अभी वो मैं बाद में डाल दूँगी पिसा हुआ गर्म मसाला यहाँ पर मैंने ना इसको इतना भून लिया था मसाले को ऑयल साइडों पर आ गया था तो अब मैंने इसके बीच में डेढ़ किलो चिकन डाला था दो किलो चावल थे और डेढ़ किलो चिकन डाला अब मैं इसको अच्छे से भून के ना ढक्कन ढक धक दूँगी तो ढक्कन ढकने के बाद बाद में मुझे याद आता है कि यार मैंने तो इसमें वो डाला ही नहीं पिसा हुआ गर्म मसाला तो फिर बाद में मैंने इसे पिसा हुआ ढक्कन हटा के अब तीन चम्मच भर के मैंने पिसा हुआ गर्म मसाला शामिल किया था इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है और आप ये बिरयानी ट्राई करेंगे ना यकीन करें आपकी बिरयानी की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलेगी ये किसी की वीडियो नहीं मैंने ली अपनी ही मेरी रेसिपी है ठीक है और बच्चे मेरे पास बैठे हुए थे इन्होंने खाना था खाना ये अहमद रज़ा है मेरी देवरानी का बेटा ग्रे शर्ट में बाकी मेरा बेटा है अब्दुल हादी और फातिमा मेरी बेटी तो अब मैंने हर धनिया में और पुदीने में मुझे शामिल किया है कसूरी मेथी थोड़ी ज़्यादा तादाद में मैंने पहले भी व्लॉग में अपने बताया है कि कसूरी मेथी का ना बहुत मज़े का फ्लेवर आता है बिरयानी में आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है अच्छा आप लोग ना प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करना और हम जैसे जो व्लॉगर्स होते हैं इन्हें तो ज़रूर अप्रिशिएट किया करें क्योंकि एक हाउस वाइफ होती है वो अपने लिए कितना टाइम निकालती है एक ब्लॉग बनाने के लिए छोटे छुट छोटे क्लिप बनाना तो फिर एडिटिंग करना कट करना वॉइस ओवर करना बहुत जैसे टाइम निकालना पड़ता है जिसके पास कोई हेल्पर भी ना हो हम जैसे उनके पास हेल्पर भी ना हो तो शुक्र है अल्लाह का मुझे अपना अपने बच्चों का काम करना बहुत पसंद है तो अल्लाह जब तक ज़िंदगी है हाथ पाँव सलामत है मैं अपना काम खुद ही करूँगी इन तो यहाँ पर देखें गैस हो गई थी और कम और मसाला मेरा भुन गया था तकरीबन कौरमा तैयार हो गया था अब इसके बीच में मैं शामिल करूंगी चावल चावल मैंने आपको बताया दो किलो बनाए हैं ये बच्चे हैं फिर माशाल्लाह मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो सब ने मिल ही खाए थे तो बहुत मज़े के बने थे चावल मेरे ना आप लोगों ने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है और ये जो मैंने बताए है संघाड़ों की रेसिपी ये भी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करके मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपकी बिरयानी और संघाड़े कैसे बने थे ना आपके संगाड़े ख़राब होंगे नरम पानी वाले और सख्ती बनेंगे इंशाल्लाह और ये देखेंगे चावलों के एक बाल आ गया था इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया अब मैं इसे दोबारा कवर कर दूँगी थोड़ी देर बाद ना चम्मच चला के अच्छी तरह बाद में जब इसमें पानी और कम रह जाएगा ना ये इसको मैंने कवर कर दिया सिर्फ मैं दो बाल में चावलों में दम लगा देती हूँ मैं ज़्यादा पानी नहीं खोश करती अब ये देखेंगे इतना पानी है अब मैं इसे दोबारा चलाऊँगी चलाने के बाद ना इसके बीच में मैंने शामिल करना है बिरयानी का एक पूरा पैकेट डाल देना है दम में अब मैं ये देखें नेशनल का बिरयानी मसाला यूज़ करती हूँ मैं हमेशा इसका ना टेस्ट बहुत मज़े का होता है अच्छा ये डाल के फिर इसके बीच में शामिल करूँगी ज़रदा रंग जरदा रंग थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी मैं उससे ना कलर बहुत मज़े का आता है चावलों का और और ऐसे ही डाल दूँगी बिना किसी पानी में या सिरका में या दूध में शामिल नहीं करती डायरेक्ट डाल देती हूँ और ये मैंने स्ट्रेन कर लिया था जो हरा मसाला था ठीक है उसके बाद इसे मैं लगा दूँगी दस मिनट के लिए दम पे और इन मैं आपको ढक्कन हटा के दिखाऊँगी ये देखें इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त थी माशाल्लाह बहुत मज़े के बने थे राइस मेरे नमक मिर्च हर चीज़ परफेक्ट थी आप लोग भी जब भी बिरयानी में डालें तो ज़रूर नमक चख लें चावलों में नमक बिल्कुल जैसे बराबर का होना तो मज़े का लगता है ये है मेरे खाने की फाइनल और ये मैंने सिंघाड़े बॉयल किए थे और ये दिखे सख्त है नरम नहीं है बहुत मज़े के थे आपने मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना है नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़